गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ब्लेंडर के अंदर ये लो पोली कार कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करके मैं यहाँ से जनरल मोड पे नया फाइल ओपन कर लेता हूँ। ए प्रेस करके डिलीट और कंट्रोल एन प्रेस करके सिर्फ एन प्रेस करके मैं आपके लिए यहाँ से शॉर्टकट व्यू आर ऑफ स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि जिससे कि मैं जो भी की प्रेस करूँ या माउस क्लिक करूँ वो आपको यहाँ पर शो हो। ठीक है, सिंपली हम एक क्यूब से बनाने वाले हैं इस पूरे मॉडल को। तो आपको मैं बता दूँ कि लो पोली होता क्या है। लो पोली का मतलब होता है जिसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग्स ना हो। ठीक है, मतलब एजेस साफ साफ दिख रहे हो, 3D के अंदर लो पोली का मतलब ये होता है। ठीक है, बिना किसी देरी के अब चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। तो शिफ्ट ए प्रेस करके मैं इसके अंदर एक क्यूब ऐड करूँगा सिंपली। ठीक है, और 3 प्रेस करके साइड व्यू से मैं इसको देखूँगा और स्केल करूँगा जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, जेड एक्सिस की तरफ स्केल करने के बाद इसे हम थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे। इतना करने के बाद हमारा अगला काम रहेगा, वैसे तो हम इसी से बनाने वाले हैं, अब हम इसे थोड़ा सा स्केल करेंगे फ्रंट व्यू हमारा ये है, हम इसे स्केल करेंगे वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो लगभग इतना ठीक रहेगा। अब हमारा काम है इसमें टैप प्रेस करके फेस मोड को सिलेक्ट करना और इसके फ्रंट वाले फेस को सिलेक्ट करना। साइड व्यू से हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा करेंगे तो इतना ठीक रहेगा। और सेम ही हम पीछे वाले से सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे इसे पीछे थोड़ा सा, इतना ठीक रहेगा। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे बीच वाले ऑप्शन को, फेस को, और 3 प्रेस करके हम इसे एक्सट्रूड करेंगे ऊपर। वैसे 3 प्रेस करना ज़रूरी नहीं है साइड व्यू, बस मैं एक कंफर्टेबिलिटी के लिए कि हम पता लगे कितना ऊँचा है ये। ठीक है, तो ये आप इस हिसाब से अपना जितना आपको सही लगता है उतना आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसे स्केल कर सकते हैं अगर चाहे तो, आपका मर्जी है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन आपका है, आप चाहे जैसे मर्जी कीजिए। ठीक है, और अब हमारा काम है इसको एज मोड में जाना। एज मोड पर जाके हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा हम पीछे की तरफ मूव कर देंगे, ताकि एक जो शीशे वाला आगे फ्रंट व्यू आता है कार का वो आपको शो हो। तो छोटा सा कार का मॉडल हमारा तैयार हो गया। अब हमारा अगला काम रहेगा इसमें टायर्स को ऐड करना। ठीक है, तो टायर्स ऐड करने के लिए हम सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ऐड करेंगे यहाँ पे। सिलेंडर हमने ऐड कर दिया, तो सिलेंडर को हम यहाँ से जो इसके वर्टिसेस है लगभग 15 तक रखें। ठीक है, ये किस लिए रखे मैंने वो आपको मैं बता दूँगा बाद में थोड़ी आगे जाके वीडियो में। अब हम इसे रोटेट करेंगे जेड एक्सिस की तरफ 90 डिग्री, वाई एक्सिस की तरफ 90 डिग्रीज। और अब हम इसे सेट करेंगे इसकी जगह पे, स्केल करेंगे छोटा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। इतना करने के बाद फ्रंट व्यू से हम इसे आगे की तरफ सेट कर देते हैं, स्केल करेंगे जेड एक्सिस, स्केल एक्स। ठीक है, ये थोड़ी बहुत कभी पता नहीं लगता कौन से एक्सिस की तरफ करना है, तो आप इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला काम है इतना करने के बाद इसे हम असाइन करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले टायर को सिलेक्ट करना और सिलेंडर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कार को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके हमारा बूल टूल का ऑप्शन होता है, बूल टूल में जाके आप डिफरेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंस जैसे ही करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू आपको शो होगा। ठीक है, ये चीज़ क्या हुआ इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे हमारा क्या होगा, जैसे हम बूल टूल से इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अब हमारे पास जो ये स्क्वायर बना हुआ है खाली सा, इसे अगर हम मूव करते हैं तो जो हमारे साथ इसके अंदर व्यू था वो भी साथ में मूव होगा। मतलब आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं कि बाद में एडिट करने में प्रॉब्लम हो कि हाँ भाई टायर का स्पेस थोड़ा सा बढ़ाना है या टायर बड़ा करना है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्केल करना चाहते हैं आप स्केल कीजिए। ठीक है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। इतना ठीक है मेरे लिए। अब मैं इसको करूँगा मिरर। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको साइड पे भी करेंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर में जाएंगे, मिरर मॉडिफायर को सिलेक्ट करेंगे
और मिरर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके कार को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे ये इस साइड भी मिरर हो जाएगा, देख लीजिए ठीक है, इधर भी आ गया है सिंपली था। सो अब हमें करना है इसको शिफ्ट टी प्रेस करके पीछे की तरफ मूव, लेकिन वाई एक्सिस पे ठीक है। तो पीछे वाले टायर हम यहाँ रखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये इस जगह हुआ था, हमने इसको अभी बूल नहीं दिया ठीक है। तो ये सेलेक्ट करेंगे हम फिर से, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे कार को, ऑब्जेक्ट में जाके बूल टूल में जाके डिफरेंसेस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हो गई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाई चांस अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में बूल टूल नहीं शो हो रहा है ठीक है, तो आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में यहाँ सर्च कर लीजिएगा बूल ठीक है। जैसे आप बूल सर्च करेंगे BOOL ठीक है, बूल यहाँ पे आ गया, ये इसे आप चेक कर लीजिएगा ठीक है। अगर ये चेक है तो वो आपको ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में शो होगा ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे टायर मेन ऐड करने वाले हैं ठीक है। टायर ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे अगेन, और अब हम इसमें फिर से सिलेंडर को ऐड करेंगे। सिलेंडर ऐड करने के बाद इसके जो वर्टिसेस है उसे भी हम करेंगे 15, 15 ऑलरेडी है ठीक है। और अब हम इसे रोटेट करेंगे वाई एक्सिस की तरफ 90 डिग्रीज़, देन हम इसे असाइन करेंगे उसकी जगह पर ठीक है। स्केल इट, सो इतना ठीक है, मूव करेंगे, स्केल करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, जितना भी मोटा आपको टायर पसंद है उतना मोटा आप टायर रख सकते हैं ठीक है। थोड़ा सा और स्केल करते हैं, छोटा सा बना देते हैं, सो इतना ये ठीक रहेगा ठीक है। अभी ये नॉर्मल टायर लग रहा है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है। सो अब हम इसे थोड़ी सी कलाकारी करते हैं ठीक है ना। कलाकारी करने के लिए हम सिंपली टायर को सिलेक्ट करेंगे, टैप प्रेस करेंगे, और फेस मोड पे ही हम फ्रंट वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, देन आई प्रेस करके इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे ठीक है। उसके बाद हम ई प्रेस करके इसे थोड़ा सा पुश करेंगे पीछे की तरफ, देन हम अगेन आई प्रेस करेंगे, और इसे अब की बार हम छोटा सा कर देंगे ठीक है। इस बार हम फिर से ई प्रेस करके इसको बाहर की तरफ मूव करेंगे, अगेन ई प्रेस करके मूव करेंगे, और अब हम इसे स्केल थोड़ा सा छोटा कर देंगे ठीक है। इससे हमारा जो ये टायर वाला लुक थोड़ा सा देगा, लेकिन अभी भी कुछ कमी है तो उसे पूरा कर लेते हैं। सो अब हम जो इसके अंदर ये जो फेसेस है इसको एक छोड़कर एक शिफ्ट दबा के हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है। इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद मे बी एक फेस ज़्यादा है इसमें ठीक है, तो कोई बात नहीं, चल जाता है थोड़ा बहुत ठीक है। वो मैंने 15 चूज़ किया था, आप चाहे 16 चूज़ कीजिएगा तो बराबर आएगा ठीक है। सिलेंडर है 16 चूज़ कीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको एक्सट्रूड प्रेस करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ इसे मूव कर देंगे सिंपल। इतना करने के बाद आप टैब प्रेस कीजिए तो आपको कुछ इस टाइप का लुक शो होगा इसके अंदर ठीक है। सो अब हम करेंगे इसको सेलेक्ट रहने देंगे, टैब प्रेस कर दिया हमने, देन हम अगेन मॉडिफायर ऐड करेंगे मिरर वाला, ताकि हम इसे असाइन कर सकें दूसरी जगह पे भी। तो ऑब्जेक्ट सिंपली मिरर ऑब्जेक्ट जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको सिंपली शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे, और वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, और इसको इसकी जगह पे सेट कर देंगे ठीक है, GY। सो ये हो गया, तो कार का थोड़ा सा हमारा लुक जो है तैयार हो चुका है ठीक है। अब हम इसको तैयार करेंगे इसके शीशे को ठीक है। तो शीशे को तैयार करने के लिए हम कार को सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, और टैप प्रेस करके हम इसके अंदर कंट्रोल आर प्रेस करके लूप कट ऐड करेंगे इस वाली जगह पे ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, दो लूप कट्स ऐड करने हैं, क्लिक कीजिए, तो अब इसे स्केल करेंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस की तरफ इतना मूव कर दिया ठीक है। सो इतना करने के बाद हम फेसिस को फिर से आ जाएंगे, फेस मोड को सेलेक्ट करेंगे, देन इन सभी को सेलेक्ट करके, और इससे पहले आपको क्या करना है कि हम इसे कंट्रोल ए प्रेस करके, टैप प्रेस करके पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल ए प्रेस करके अप्लाई करना है स्केल को ठीक है। ये क्यों करना है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, अभी अप्लाई करने से पहले देखिए, अगर हम बिना इसको अप्लाई करे करते हैं, अगर हम टैप प्रेस करेंगे ठीक है, तो अगर मैं इसे अब ज़रा मैं ना आई प्रेस करता हूँ ठीक है, और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करता हूँ, तो कुछ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो कोने हैं
ये कोने कुछ इस टाइप के आए हैं, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, नॉर्मल जैसा था वैसा ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा इसके स्केल को। सो कंट्रोल जेड और टैब से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा, देन हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और अप्लाई कर देंगे स्केल को। जैसे हम ये करेंगे तो ये, अब हम अगर इसके अंदर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, इसको इसको और इसको, इन चारों को, ठीक है। अब अगर हम आई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शो हो गए, ठीक है, एकदम बराबर। सो सेम हम पीछे वाले के साथ भी करेंगे और आगे वाले के साथ। आई प्रेस करेंगे, हो गया। और अब हम इसके अंदर इन सभी फेसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको इसको और इसको, इन सभी फेसेस को सेलेक्ट करके हम ऑल्ट ई प्रेस करके फेस एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, ठीक है, अंदर की तरफ मूव करेंगे, बस इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं जितना भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास कार का एक छोटा सा नॉर्मल सा लुक आ गया है, ठीक है। टायर्स हमारे तैयार हो गए हैं, शीशे हमारे तैयार हो गए, कार का सिंपल सा मॉडल तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बम्पर्स, ठीक है। बम्पर ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से कंट्रोल आर लूप कट से ऐड करके बम्पर ऐड कर सकते हैं, या सिंपल तरीका है अगर आप लो पॉली बना रहे हैं तो एक और हम इसमें क्यूब ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यूब ऐड करके हम इसे एक बार यहाँ सेट कर लेते हैं, फ्रंट व्यू से हम इसे देखेंगे और स्केल करेंगे जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। बम्पर के साइज़ का दे देंगे और इसे स्केल करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, थोड़ा सा साइड से भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ से, बस इतना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल बम्पर डिज़ाइन, ठीक है, सिंपली सा। लेकिन अब इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे बम्पर को। मॉडिफाई करने के लिए टैब प्रेस करके आप एज मोड पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पी प्रेस कीजिए, थोड़ा सा माउस को मूव कीजिए और स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। सिंपली साइड वाले के साथ कंट्रोल पी, बस आपको मूव करना है एक बार करने के बाद, बस, ठीक है। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि बम्पर हमारा किस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए लो पॉली में कुछ नहीं है, बस आप एक इमेजिनेशन को एक रफ डिज़ाइन में तैयार करते हैं, ठीक है। सो उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सीखने के लिए इतना करना पड़ेगा, जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आप इसके अंदर बेहतर होते जाएंगे, ठीक है ना। आप अपनी इमेजिनेशन को क्रिएट कर पाएंगे ब्लेंडर के अंदर। सो अब हम इसके अंदर लाइट्स ऐड करेंगे। तो जो मैंने फ़ोटो में आपको दिखाया था उसको मैंने ऐड किया था अपने इससे टोरस से, जिससे हम मेनली डोनट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे रोटेट करेंगे मे बी वाई एक्सिस की तरफ, सॉरी एक्स एक्सिस 90 डिग्रीज, ठीक है। और फ्रंट पे ले जाएंगे इसे, फ्रंट व्यू से चेक करते हैं, स्केल करते हैं और क्रैप कर देते हैं इसे हम जी प्रेस करके इसकी चेक आता है। थ्री से थोड़ा सा पीछे, शायद इतनी जगह पे ठीक रहेगा, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट टी प्रेस करके, नहीं सिंपली हम मॉडिफायर पे जाएंगे, ऐड करेंगे मिरर और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कार को, तो ये अपने आप डुप्लीकेट हो जाएगा इधर, ठीक है। सो इतना हो गया हमारे पास, मतलब लगभग हमारा जो कार का मॉडल है वो तैयार हो गया। मैंने एक डिज़ाइन भी दिया था फोटो में, जैसा आपने देखा होगा यहाँ पे एक सिंपल एक छोटा सा डिज़ाइन था कार का। सो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो भी मैंने सिंपली शिफ्ट टी प्रेस करके क्यूब से ऐड किया है। तो क्यूब को हम इसकी जगह पे ले जाएंगे, स्केल कर लेते हैं पहले जी, तो ये छोटी जगह पे थोड़ा सा हम इसे जो है स्केल करेंगे जेड एक्सिस की तरफ, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अब हमारा अगला काम है इसको टैप प्रेस करके फेस मोड में आके ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है और स्केल कर देना है इसे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कार का एक छोटा सा और सिंपल सा मॉडल तैयार, ठीक है। फटाफट हम इसके अंदर कलरिंग दे देते हैं, ठीक है। कलर देने के लिए हम जाएंगे मटेरियल वाले ऑप्शन में, मटेरियल ऑप्शन, यहाँ न्यू, इसको कार का नाम देंगे हम कार, और कार को हम कलर दे देते हैं मे बी, एक मिनट, यहाँ से मे बी हम इसको रखेंगे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कर दिया। इसको हम कर देते हैं ब्राउन, हल्का सा बोनट को भी हम दे देते हैं ब्राउन कलर, लेकिन इसको हम देंगे थोड़ा सा डार्क,
ठीक है, लाइट को हम कलर दे देंगे ब्लू, ब्लू कलर। और अब हमारे पास जो ये चीज़ है, इनके शीशे, शीशे को भी कलर दे देते हैं साथ ही साथ। तो टैब, शीशे को कलर देने के लिए हमें टैब प्रेस करना पड़ेगा। इनको सेलेक्ट कर रखा है हमने प्लस वाले साइन पे, और इसे असाइन कर देंगे न्यू प्रेस करके। अब हम इसे देंगे ब्लू कलर, हल्का सा ब्लू, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कलर आपको शो होगा। अब हमारा आखिरी चीज़ रह गया, वो है हमारा टायर। टायर को कलर देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, न्यू पे प्रेस करेंगे और सिंपली हम इसमें ब्लैक कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। पूरा टायर हमें ब्लैक नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, जो हमें टायर ब्लैक नहीं चाहिए तो दूसरे वाले को सिलेक्ट कर दें और टैप प्रेस करेंगे। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसे ही हम प्लस पे साइन करके न्यू असाइन कर देंगे पहले, और फिर न्यू पे क्लिक करके यही हमें इसे रखना है। वाइट कलर रखेंगे मेनली, पूरा वाइट, और मेटेलिक को यूज़ करेंगे, ठीक है। मेटेलिक थोड़ा सा टाइप अच्छा लगेगा, सो मेटेलिक यूज़ कर लिया तो दोनों साइड यहाँ पे मेटेलिक आ जाएगा। टैप प्रेस करके देख लीजिएगा, ठीक है। मटेरियल कलर आप चाहे तो वाइट करिए, ब्लू करिए, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। इस वाले टायर को भी हम सेम कलर दे देंगे ब्लैक, और टैप प्रेस करके प्लस के साइन पे क्लिक करके असाइन, देन हम इस पर दे देंगे मटेरियल वाला मेटेलिक कलर, ठीक है। ये हो गया हमारे कलर्स ऐड, ठीक है। सिंपली हमारा जो कार है वो कम्प्लीटली अब लगभग तैयार हो गया। तो इसका एक बेस मैं तैयार कर देता हूँ फटाफट, प्लेन ऐड करके स्केल, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव, थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं। ये हो गया, तो बेस को हम कलर दे देंगे मे बी येल्लो, येल्लो ठीक रहेगा, ठीक है, येल्लो कलर दे दिया। अब हम इसके अंदर एक लाइटनिंग ऐड कर देते ताकि रेंडर वाला जो व्यू है मैं आपको इसमें दिखा सकूं। सो लाइट्स में जाके मैं यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, और इसे हम ग्रैब करेंगे ऊपर की तरफ और स्केल कर देंगे इसे, और इसकी जो पावर है वो रखेंगे 800। सो इतना करने के बाद आप जब हम इसे रेंडर पे देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ 1000 तक, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का आपको शो होगा, और हमारे रिम्स की लाइट शो हो रही है, यहाँ पे कार का कलर है सब कुछ। सो ये नॉर्मल एक लो पोली कार करेक्टर हम कैसे बना सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, ये हमने इसमें सीखा है आज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया कोई वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके ये सब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और आपकी ये मोटिवेशन की वजह से हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार ट्यूटोरियल्स बना पाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जिसको भी ब्लेंडर सीखना है या नए हैं जो सीखना चाहते हैं, उन सभी को ये शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कार का मॉडल जो तैयार, जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था वैसा कार मॉडल आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को देखकर अपना खुद का अगर मॉडल तैयार करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने कलर जो कार के डिज़ाइंस बनाइए, उन्हें आप जहाँ यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करिए। और साथ ही साथ आपसे जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप कार को कैसे रिगिंग करते हैं, कार की रिगिंग कैसे करते हैं ताकि हम उसे चला सकें रोड पर, मतलब कि अपने ब्लेंडर के अंदर, वो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। आप उसको कमेंट करके बताइए कि आप वो सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको कमेंट करके आप बता दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर एक नया ट्यूटोरियल तैयार कर दूँ आपके लिए, ठीक है, रिगिंग का, कार रिगिंग का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी लौटेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ एनिमेटेक्स में।